कि जब बच्चा पैदा होता है तो अगले आने वाले दो साल में नबे फ़ीसद उसका ब्रेन जो है वो तेज़ी से डेवलप हो जाता है तो इस उम्र में जो चीज़ें सीखी जाएंगी जो आइडेंटिटी उसकी डेवलप होगी कॉग्निटिव सोशल इमोशनल स्किल्स उसके अंदर डेवलप होंगे वो तो सारी उम्र उसके साथ जाएंगे तो सारी दुनिया के रिसर्चर्स ये कहती हैं कि अर्ली एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना बाद में इन्वेस्ट करने से कहीं ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है इसका दौरानिया कम है वक्त कम है इसकी एफर्ट कम है लेकिन ये ज़रूरी सबसे ज़्यादा है तो हमने ये देखना है कि शुरू में अगर हम बच्चों की ये सारी डेवलपमेंट को सामने रख लेंगे तो आने वाली ज़िंदगी में उनकी well पे एक बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट होगा द पीरियड बिलो द एज ऑफ एट यस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन लाइफ जैसे हमने अभी अर्ज़ किया आठ साल से नीचे की उम्र जो है इसका दौर अहम तरीन तेज तरीन दौर है सीखने के लिए ड्यूरिंग द फर्स्ट थ्री ईयर्स अच्छा एक्सपीरियंसिस इंट्रैक्ट विद बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स टू एस्टैब्लिश एज मच एज नाइनटी परसेंट ऑफ द ब्रेन स्ट्रक्चर अब होता क्या है कि शुरू के दिनों में बच्चे की ग्रोथ भी बड़ी तेज़ है उसकी लर्निंग भी बड़ी तेज है उसकी सेंसेस भी बड़ी शार्प हैं आप मुँह से एक लफ्स निकालते हैं वो फौरन उसको कॉपी कैट की तरह इमिटेट करता आने वाले दिनों में में ज़बानें सीखने लोगों को साल लग जाते हैं लेकिन आपने देखा कि मदर टंग को बच्चा कितनी तेज़ी से सीखता है मदर टंग को बहुत ज़्यादा तेज़ी से सीखा जाता है अब बच्चा सिर्फ ढाई साल की उम्र में दो ढाई हज़ार अल्फाज सीख चुका होता है वजह उसकी यह कि उसकी सेंसेस बड़ी शार्प है यहाँ पर अगर हम उनको नेगेटिव जेंडर आइडेंटिटी दे देंगे यानी हम उनको ये बताएंगे कि आपकी जेंडर रेस्ट्रिक्टेड है आपकी जेंडर किसी और जेंडर से कमतर है या आपकी एक्टिविटीज़ रेस्ट्रिक्टेड हैं तो फिर वो सारी उम्र उस दायरे से बाहर नहीं निकल पाए पाएगा सो ड्यूरिंग द फर्स्ट थ्री ईयर्स अ चाइल्ड एक्सपीरियंस इंटरेक्ट विद बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक फैक्टर्स तो दोनों फैक्टर जो बायोलॉजिकल हैं और जो जेनेटिक हैं देखिए जैसे हमने अर्ज किया कि नेचर और नर्चर साथ साथ चलते हैं इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर बच्ची पैदा होगी तो वो बच्ची के जो जीन्स हैं वो लेकर पैदा होगी और उसी तरह की सोशल और फिज़िकल बिल्ट ले कर पैदा होगी लेकिन जो इन्वायरमेंट उसको इर्द गिर्द मिलना है अगर वो इनक्रेजिंग है हौसला अफजा है और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उसको भी उतनी मोहब्बत से उतने प्यार से उसको पाला जाएगा देखिए अगर मजहब की बात करना भी बहुत जगह ज़रूरी होता है हमारे इस्लाम में बच्चियों को जितनी तवज्जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी उतनी पूरी दुनिया में किसी ने बच्चियों को वो तवज्जो नहीं दी ख्वा वो यूरोपियंस हों जितने दुनिया के मजाहिब हैं उनमें औरतों के वो हकूक़ नहीं दिए गए जो इस्लाम में दिए गए हैं तो ये बड़ी सख्ती से मना किया गया है कि जब बच्ची पैदा हो तो उसके ऊपर नाराज़गी या नागवारी का इजहार किया जाए क्योंकि वही जज्बात जो वो वालदे से उस वक़्त लेती है वो तो सारी जिंदगी उसके ऊपर असरअंदाज होते रहते हैं ड्यूरिंग अर्ली childhood, girls गर्ल्स एंड बॉयज़ a अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग जैसे मैंने अर्ज़ किया कि यही वो वक्त है जिसमें बच्चे अपनी आइडेंटिटी डेवलप करते हैं आई एम अ बॉय आई एम अ गर्ल मैं बेटा हूँ मैं बेटी हूँ मैं लड़की हूँ लड़की को क्या करना है लड़की को कहाँ बैठना है लड़की को किससे मिलना है किससे बात करनी है लड़की को क्या पहनना है और तो और लड़की को क्या खाना है ये वो सारी चीज़ें जैसे हम डिस्क्रिमिनेशन रखते हैं देखें आ, बहुत से हमारे ऐसे इलाके हैं ख़ासतौर पर पाकिस्तान में ही बाहर की दुनिया में भी है जो मैंने आपको प्लान रिसर्च का आ, रेफरेंस दिया है वो दुनिया के 40 से लेकर 60 तक की गई है सब जगह पर बच्चियों को बच्चों के मुकाबले में कम खुराक दी जाती है या कम मैार की खुराक दी जाती है अब ये वो चीज़ें हैं जो शुरू से ही उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ऐड कर देती हैं और उनको अपना आप छोटा लगता है उनकी हैसियत उनको कम लगती है तो ज़ाहिर है वो एतमाद उनकी शख्सियत में पैदा नहीं होता जो अगर उनकी डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए बच्चों बच्चियों को एक जैसा पाला जाए एक जैसी मोहब्बत दी जाए एक जैसी ख़ुराक पे उनकी तवज्जो दी जाए और उनको एक जैसी ही सोशलाइजेशन दी जाए सबसे मिलना मिलाना सारों के साथ अच्छा खेलना अच्छा खाना ये सारी चीज़ें होंगी तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी सो दे ऑल्सो डिवेलप सोशल एंड इमोशनल स्किल्स जैसे मैंने अर्ज किया हम बच्चों को लड़कों को कहते हैं बेटे नहीं रोते लड़के नहीं रोते लेकिन हम लड़कियों को क्यों नहीं कहते कि लड़कियां नहीं रोती क्योंकि हमने उनके जहन में ये डाल दिया कि वो कमज़ोर हैं या कई दफ़ा ऐसा भी होता है लड़कों को बड़ी अच्छी तरबियत की जा रही है तो कहा लड़कियों को नहीं मारते भाई लड़कियों को भी लड़कों को नहीं मारना चाहिए किसी को किसी के साथ ज्यादा नहीं करनी लेकिन जब हम लड़के या लड़की का वर्ड इस्तेमाल करके कोई बात करते हैं तो वो उनके अंदर एक ख़ास तरह की आइडेंटिटी जो है वो डालते हैं देखिए छोटे बच्चे अपनी वर्थ को आपके खिताब से आपके बुलाने से जिस तरह से आप उनसे बात कर रहे हैं उससे पहचानते हैं सो ग्लोबली एन एस्टिमेटेड टू फिफ्टी मिलियन चिल्ड्रन अंडर द फाइव ईयरस एज फोर्टी थ्री परसेंट ऑफ द अंडर फाइव ग्रोइंग अप इन लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज प्रोबेबली डू नॉट डिवेलप टू देयर फुल पोटेंशियल बिकॉज दे ग्रो अप फेसिंग अ नंबर ऑफ रिस्क फैक्टर्स तो दुनिया में जो गरीब ममालिक हैं जो दूसरे दर्जे के ममालिक हैं वहाँ आप देखिए 250 मिलियन जो कि तैतालीस फ़ीसद बनता है ये बच्चे ना तो मुनासिब ख़ुराक ले सकते हैं ना मुनासिब तवज्जो ले सकते हैं ना मुनासिब सहूलियात ले सकते हैं जिसके वजह से वो अपनी पूरे पोटेंशियल के साथ बड़े ही नहीं हो सकते जो कुछ उनको बनना था जो वो बन सकते थे बायोलॉजिकली फ़िज़िकली एनवायरमेंटली डेवलपमेंटली वो नहीं बन सकते क्योंकि आपने उनको शुरू से ही महदूद चीज़ें दी तो अब जरूरी नहीं कि ये आ, सिर्फ बच्चियों के साथ हो बहुत सी दुनिया में बच्चे बच्चियां दोनों ही इस अर्ली एज में सफ़र कर रहे हैं लेकिन जब बात आती है उन दोनों के बीच में तो फिर बच्चियां ज़्यादा सफ़र कर रही हैं उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा